दोस्त वीडियो बनाते बनाते थक गया लेकिन वीडियो से व्यूज़ नहीं आ रहे। सो आपका भी अगर यही प्रॉब्लम है तो आज आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। आज के इस वीडियो पे इसी का सॉल्यूशन करने में आ गया हूँ आपका दोस्त एसटीडी श्रीवास्तव, एसटीडी यूनिक टेक चैनल का होस्ट। और आप देख रहे हैं एसटीडी यूनिक टेक, हमारे चैनल को दी सब्सक्राइब क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो रोज़ाना लेके आते रहते हैं। सो आज का टॉपिक है आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा। तो आपका अगर सब्सक्राइबर बहुत कम है तो उधर पे आपका एक प्रॉब्लम है, व्यूज़ नहीं आता, आपको वीडियोस को करना पड़ता है शेयर। लेकिन आपका सब्सक्राइबर ज़्यादा है फिर भी आपके पास व्यूज़ नहीं आ रहा है तो उसका पूरा डिटेल से बात करेंगे। सो करते हैं स्टार्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें और इस ऑल वाले बटन पर जरूर दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो गाइस, आपका जो व्यूज़ नहीं आ रहा है उसका मेन प्रॉब्लम है आपके वीडियोस अपलोडिंग करने का टाइम। आपका ऑडियंस किस टाइम में आपके मतलब यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं वो आपको पता करना ज़रूरी होता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका सब्सक्राइबर कब मतलब यूट्यूब पर ऑनलाइन रहता है, कब आप मतलब यूट्यूब चलाता है, तो वो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सो कैसे जानेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं आपका सब्सक्राइबर कब यूट्यूब चलाते हैं, हम आपको पूरा दिखाएंगे। उसके बाद आपके सब्सक्राइबर के पास आप जब वीडियो छोड़ेंगे उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको भी इसी तरह से व्यूज़ भी मिलेगा। सो पहले आप देख लीजिए कैसे उन लोगों का मतलब एक्टिव टाइम जानना है। सो दिखा देते हैं, चलिए एवर कब ऑनलाइन रहता है ये जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। उसके बाद आपको सिंपली से क्या करना है, आपको सिंपली से इधर पे थ्री डॉट पे करना है क्लिक। उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको डेस्कटॉप साइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इधर पे आपको यूट्यूब मिल जाएगा तो यूट्यूब में सिंपली से कर देना है क्लिक। YouTube में क्लिक करने के बाद आपका चैनल पूरा इसमें आ जाएगा, पूरा इस मतलब डेस्कटॉप वर्जन में आ जाएगा। तो अभी आप यहां से पता कर सकते हैं कि आपके ऑडियंस YouTube में कब ऑनलाइन आते हैं, मतलब कब वो YouTube चलाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर कब ऑनलाइन आते हैं। सो इसके लिए ये आ गया है आपका मतलब चैनल पूरा आपके सामने। उसके बाद इधर आपको अपने लोगो पे करना है क्लिक, आपका चैनल लोगो पे करना है क्लिक। सो ये देख लीजिए, मैंने सिंपली से अपने लोगो पे कर दिया है क्लिक। सो ये आ गया मेरा लोगो। उसके बाद आपको नीचे क्रिएटर मतलब YouTube स्टूडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, तो फिर बहुत सारा ऑप्शन तो और भी मिलेगा और इसमें आपको YouTube स्टूडियो में कर देना है क्लिक। उसके बाद एक नए पेज पर ही ले जाएगा। सो कुछ देर तक वेट कीजिए कि आपके नेट के हिसाब से आपका स्पीड दिखा देगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद हमारा एक नए पेज पर जाके ओपन होगा। सो गाइस ये देख सकते हैं ये एक नए पेज पर आ चुका है, इसमें आपका कितना क्या है सब इधर पे दिखा देगा। सो उसके बाद आपको सिंपली इधर पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, देख लीजिए इधर पे साइड में, तो इधर पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो आपको सिंपली से थोड़ा स्क्रॉल करना है, इधर पे स्क्रॉल करने के बाद इधर पे आपको मैं सिंपली से आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए ये है पूरा। उसके बाद पूरा इधर पे सेटिंग मिलेगा, डैशबोर्ड, वीडियोस, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, सबटाइटल्स। तो आपको सिंपली से एनालिटिक्स पे करना है क्लिक, इधर पे आपको एनालिटिक्स या एनालिटिक्स पे करना है क्लिक। सो मैंने कर दिया एनालिटिक्स में क्लिक। उसके बाद आपको क्या करना है देख लीजिए, ओवरव्यू आएगा, ठीक है, इधर पे पांच ऑप्शन मिलेगा, तो इधर पे ओवरव्यू, ओवरव्यू के बाद इधर पे आपको मिलेगा रिच, रिच इंगेजमेंट, उसके बाद ऑडियंस, तो ऑडियंस पे करना है क्लिक। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद सो ऐसा कुछ आपके आ चुका है, यूनिक व्यूअर्स देख लीजिए 1 लाख और 80,000 से ऊपर है मेरा यूनिक व्यूअर्स और एवरेज पर व्यूअर्स 1.1%। उसके बाद वो थोड़ा नीचे करना है स्क्रॉल, आप देख लीजिए नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये वाला जो साइड आपके सामने आएगा, सो ये देख लीजिए यू व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब। सो देख लीजिए ये मंडे मतलब संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो आज मैं दिखाता हूँ, अभी है आज डेट है मतलब डे है थर्सडे, तो थर्सडे में मेरा किस टाइम पे मेरा व्यूअर्स ज़्यादा है देख लीजिए, मतलब ये जो वाइट दिख रहे हैं मतलब जो जो पर्पल कलर का है, जहाँ ज़्यादा पर्पल कलर है वहाँ पर ऑडियंस ज़्यादा है। तो देख लीजिए ये मेरा आज का मैं दिखा देता हूँ, आज इधर पे है 1 बजे जो पहला लाइन है, ये फर्स्ट वाला लाइन है 1 मतलब रात के 1 बजे। उसके बाद रात के 2 बजे भी कुछ ऑडियंस है, रात के 3 बजे भी ऑडियंस है, 4 बजे भी बढ़िया ऑडियंस है,
नहीं ये रात के नहीं, ये सुबह का है। हाँ ये सुबह का है। तो सुबह के 5-6 बजे तक बहुत सारे ऑडियंस मेरे चैनल पर रहते हैं। 6 बजे तक इधर पे देख लीजिए, बहुत सारे ऑडियंस इधर पे आपको मिल जाएगा देखने में। मतलब सुबह से लेके ऑडियंस जहाँ पे भी कलर पूरा डार्क है, इधर पे देख लीजिए बहुत डार्क है, मतलब इधर पे ऑडियंस ज़्यादा है और इधर पे थोड़ा फीका है, तो उधर पे इतना ज़्यादा ऑडियंस नहीं है। और फिर कितना बजे, 9, 10, 11 ज़्यादा ऑडियंस है, 9, 10 में ज़्यादा ऑडियंस है। और उसके बाद 12 बजे के बाद ऑडियंस नहीं है और रात को भी ऑडियंस नहीं है। 6 बजे के बाद मेरे चैनल पर ऑडियंस नहीं आता है, ठीक है, देख लीजिए। मतलब ये देख लीजिए, शाम को 6 PM को ऑडियंस बहुत ज़्यादा रहता है, 6 PM में, 5 PM में रहता है, 6 PM में रहता है, ये मतलब 4-5 में बहुत ज़्यादा है, 6 में इतना ज़्यादा नहीं है, 7 में इतना ज़्यादा नहीं है, 7 में भी इतना ज़्यादा नहीं है, 8 में भी इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब फिर भी है। जो कलर सबसे डार्क ज़्यादा है उसमें मतलब ऑडियंस ज़्यादा है। और इधर पर देख लीजिए, 6 AM मॉर्निंग पे इतना ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, 7 पे भी नहीं है, 8 पे भी नहीं है, 9 पे भी नहीं है, मतलब ऐसा ही चलता है। इधर पे एक लाइन का मतलब 1 आवर होता है, जो एक लाइन होता है कलर का वो 1 आवर होता है, ठीक है, मतलब 1 घंटा होता है। सो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके ऑडियंस कब ऑनलाइन रहते हैं और यूट्यूब पर रहते हैं। सो गाइस, आपने देखा कि किस तरह से मैंने दिखाया कि लोग कब एक्टिव रहते हैं, किस डेट में, किस मतलब किस डे में कब एक्टिव रहते हैं, तो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। तो आप डेली का टाइम देखिए, किस टाइम में आपके ज़्यादा एक्टिव व्यूअर्स है, एक्टिव सब्सक्राइबर्स है, एक्टिव है, तो उसी टाइम में वीडियोस को कर दीजिए अपलोड, तब उनके पास जाएगा नोटिफिकेशन और आपके वीडियोस को वो वॉच करेंगे और आपका इससे व्यूज़ भी ज़्यादा आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आगे लेके आते रहेंगे और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आता रहता है और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। सो मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद एंड वंदे मातरम।